लुधियाना। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, मैं मनमीत कौर द समर न्यूज़ में साडा बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। मेरे नाल नहीं मेरे सहयोगी नवप्रीत सिंह बेदी ते चर्चा करते हैं अज दी खास खबरां ते। पंजाबी ट्रिब्यून दे फ्रंट पेज से खबर है, इजराइल च लोगों नू मास्क तो मुक्ति मिली, स्कूल खुले। बहुत ही राहत वाली खबर आई है सामने। सो नवप्रीत की कहना चाहोगे इहदे ते? मनमीत, इजराइल दे विच हुण मास्क तो मुक्ति मिल चुकी है क्योंकि मुल्क ने तेज़ रफ्तार नाल चलाई सी टीकाकरण मुहिम। बड़ी ये खास चीज़ है क्योंकि 200 दे करीब मुल्क ने 200 दे करीब देश ने अपनी दुनिया दे विच वर्ल्ड दे विच ते सारे दे सारे देश जिहड़े हैगे ने सब बिल्कुल घबराए हुए है, डरे हुए है। जे आप अपने भारत की गल भी करिए तो जिहड़ी सैकेंड वेव चल रही है इहदा म्यूटेंट ज़्यादा खतरनाक पाया जा रहा है ते इहदे विच सारा कुछ अस्त व्यस्त होया पिया, सारे देश हिले पे है। अजे मौके ते इजराइल एक छोटा जिहा देश है, इजराइल देश जिहड़ा ऐ उभर के सामने आया है उन्हें अपने आप को जिवें टीकाकरण करके तुसी हैरान हो जाओगे कि 836,000 के आस पास इत्थे भी पॉजिटिव केस पाए गए सन अते तकरीबन 6331 के करीब इत्थे मौतां भी होईयां सीगियां। लेकिन फिर भी अपने तकरीबन हरेक सिटीजन नू टीका लगा के टीकाकरण करके जिस तरह इजराइल ने कोविड तो जित हासिल की है, फिलहाल की घड़ी वापसी की है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है, बड़ी वड्डी चीज़ है। ईवन तुसी हैरान हो जाओगे कि प्राइमरी ते सेकेंडरी लैवल दे जिहड़े स्कूल ने इजराइल दे विच बच्चों वास्ते वो भी खोल दिते गए ने ते पब्लिक प्लेसिस ते तुसी बिना मास्क दे तुसी अपना फिर सकते हो, घूम सकते हो, आन जान कर सकते हो। ते पर उन्होंने फिर भी जिते कोई बंद कमरे है, बंद कमरे कह लो, बंद हॉल कह लो, ऑडिटोरियम्स कह लो, उत्थे जे तुसी ज़्यादा इकट्ठ करना है तो उत्थे उन्होंने कहा कि मास्क पा के रखो, उस चीज़ ते रिस्क ना लो। अदरवाइज तुसी जे ओपन स्पेस दे विच हैगे हो जां रश घट है तो तुसी बिना मास्क दे अपना तुर फिर सकते हो। सो मनमीत, ये इजराइल वास्ते बड़ी शाबाश वाली गल है कि जिते पूरा वर्ल्ड इस वक्त अस्त व्यस्त होया पिया कोविड-19 करके, करोना वायरस करके घबराया पिया, सैकेंड वेव्स थर्ड वेव्स बनिया पईआं ने सारे मुल्कां दे विच, अजे मौके ते एक छोटी जी कंट्री, छोटे देश इजराइल वालों आके अपने जिहड़े सिटीजनस ने उन्हों ये कहना कि टीकाकरण हो चुका है, फिलहाल कोई नवा केस नहीं आ रहा ते तुसी अपने बिना मास्क दे घूम फिर सकते हो आजादी दे नाल। सो कितना कितने इजराइल वास्ते ये बड़ी ही वड्डी गल है ते इजराइल ने अपने आप नू एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल भी सैट किया है कि किस तरह अपने लखां दी अपने तादाद दे विच पॉजिटिव केस पाण तों बाद हज़ारां दे विच अपने सिटीजनस जिहड़े उन्होंने मरे भी ने इस बीमारी नाल, उस तों बाद भी जिस तरह ने द्वारा सारा बैकअप किया वा तो द्वारा अपने कोविड-19 तो जित हासिल की है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है तो दूजे देशों वास्ते भी एक बहुत सोहनी मनमीत एग्जाम्पल सैट हो सकता है। बिल्कुल, जिमें इजराइल इस करोना महामारी तो बाहर आया वा तो हुण बाकी देश भी जिहड़े ने वह भी इस तरह जेकर वैक्सीनेशन लगी जाए तो जेकर नियमों की पालना की जाए तो भी अपना जिहड़ा सारे देश ने जिन्हें भी देश ने वो इस करोना महामारी तो बाहर आ सकते हैं। तो कितने ना कि बहुत ही यह राहत वाली खबर है तो तसली वाली खबर भी सामने आई है कि जेकर इजराइल बाहर आ सकता तो देश बाकी देश भी जिहड़े वो भी बाहर आ सकते। ईवन मनमीत, इजराइल ने तो यह भी कहा कि जिहड़े मई महीने तो यानी कि फ्रॉम वेरी नैक्सट मंथ जिहड़े उत्थे सैलानी भी हैगे ने, जिहड़े विजिटर्स भी उत्थे हैगे ने, ईवन उन्हां दा भी टीकाकरण इजराइल वल्लों कीता जाऊगा। बिल्कुल। सो हुण अगे वधदे हां, जगबाणी दे पहले पन्ने ते खबर है, मोदी ने पछमी बंगाल च कट कीतियां अपनियां चोण रैलियां, राहुल ने पूरी तरह कीतियां रद्द, ते इह इस दे उत्ते की कहना चाहोगे? बिल्कुल मनमीत, इस वक्त जिला अपने पछमी बंगाल है, वैसट बंगाल है, बिल्कुल भखिया पिया है ते नरेंद्र मोदी जिले की हुण अपने प्रधानमंत्री भी ने उन्होंने जिहड़ी रैलियां करनियां सी उन्होंने भी कहा कि जिहड़ी 23 अप्रैल नूं इक रैली करनी है, लास्ट रैली करेंगे 23 अप्रैल में, जिले प्रमुख चार शहर ने वो कवर करेंगे क्योंकि 7वें ते 8वें गेट की जिहड़ी रैली है अपने अपने पड़ा की जिहड़ी पोलिंग है, 7वें 8वें गेट की पोलिंग है वो हले होनी बाकी है, पर 23 अप्रैल में खीरी रैली करेंगे, चार शहर कवर करेंगे, वो चार प्रमुख शहर ने मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी और दखनी कोलकाता। सो चार शहरों के 23 अप्रैल में अपनी लास्ट रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। उत्थे जिहड़े कांग्रेस के अपने राहुल गांधी है उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लैणगे, इस करके वो किसी भी तरह की रैली नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जो वर्कर ने कांग्रेस के उन्होंने भी कह दिता है कि किसी भी तरह की रैली का आयोजन ना किया जाए। इस प्रमुखता नाल सोचने वाली गल है मनमीत कि इस वक्त जिला मेन कंपीटिशन है, जिला मेन इस वक्त पूरा युद्ध चल रहा है, वो एक्चुअल दे विच उत्थे वड्डियां दो पार्टियां चल रही है, एक उत्थे दी जिहड़ी रीजनल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस TMC, तृणमूल कांग्रेस जिहड़ी मेन पार्टी हैगी जिहदे सुप्रीमो हैगे है उत्थे दे दीदी ममता बनर्जी,
सो वो उन्हां दे सुप्रीमो है तो वह ऐतकी नंदीग्राम तो चोण लड़ रहे हैं ममता बनर्जी आप खुद तो उत्थे जिहड़े अपने बीजेपी के नाल इस वक्त पूरी टाई फसी हुई है पूरा इस वक्त कंपीटीशन चल रहा है। अजे मौके पर जे अपने अपने नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण 23 अप्रैल में लास्ट रैली करेंगे चार शहर वाली मुड़ के उस तो बाद ध्यान रखा जाऊगा क्योंकि कोविड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अजे मौके पर कांग्रेस वालों राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी किस तरह की रैली नहीं की जाऊगी। सो कितना कितने कुछ हद तक थोड़ी जी जी पोलीटल पार्टियां ने पोलीटल लीडरस ने उन्होंने भी कुछ चंकी सोच नज़र आ रही है कि वाकई वो अपने सिटीजनस में लैके आपके वोटरस में लैके क्योंकि जिले सिटीजनस ने उही वोटर होंगे ने जो इकट्ठ होंगे रैलियां के हज़ार लखा की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं उत्थे सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं रहती अद्धियां तो वध ने मास्क भी वीयर नहीं किए होंगे आप कई बार देखिया। सो अजे मौके पर कोविड 19 वाले माहौल दे विच जे ये रैलियां नहीं करनगे तां किते ना किते ये अपने देशवासियों नूं भी बचा रहे हैं देशवासियों की यह थोड़ी जी सेहत की फिक्र करते हुए भी जिहड़े पोलीटिकल पार्टियां दे लीडर ने अजे मौके पर दिखाई दे रहे हैं। सो नवप्रीत कितने कितने जिहड़ी सरकार भी लगातार कदम चक रही है कि इस महामारी तो किवें निकलिया जा सके ते हुण अगे वधदे आं पंजाबी ट्रिब्यून ते फ्रंट पेज से खबर है कोविड महामारी बारे मनमोहन सिंह वालों प्रधानमंत्री नूं पत्र उन्होंने नरेंद्र मोदी नूं एक पत्र लिखा जिस दे विच उन्होंने करोना महामारी दे रिलेटिड कि उतों किवें बचा जा सके एक पत्र लिखा उन्होंने कहा कि जिहड़ा टीकाकरण ते ज़्यादा जोर दिता जाए अपने देश दे विचों करोना नूं बाहर कढ़न लई करोना नूं खत्म करन लई करोना क्यों नहीं खत्म हो सकता अपने देश चों जेकर उन्होंने इजराइल की भी एक एग्जाम्पल दी कि उन्होंने कहा कि जेकर इजराइल इस करोना महामारी तो बाहर आ सकता है तो अपना भारत देश भी जिहड़ा कि वह करोना की लपेट चों बाहर आ सकता है। उन्होंने टीकाकरण पर ज़्यादा जोर दिता कि अपने देश दे विच टीकाकरण मुहिम ज़्यादा वधाई जाए तो सरकार नूं केंद्र सरकार ने उन्होंने अपील की कि जिहड़े टीकाकरण वास्ते उन्होंने फंड देने चाहिए सरकार नूं ताकि अपने देश में टीकाकरण वध तो वध हो सके क्योंकि इको ही हल है इस महामारी तो निकलन का तो उन्होंने ज़्यादा जोर जिहड़ा टीकाकरण पर दिता है। मनमीत बिल्कुल जिले अपने मनमोहन सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हें कहा जाता है बड़े तकड़े इकोनमिस्ट रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सीनियर पोस्ट ग्रैजुएट डॉक्टरेट डिग्री होल्डर रहे हैं तो अपने सबका प्रधानमंत्री भी रहे हैं मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं इन्हों का जो टन्योर रहा 2004 तो लैके 2014 तक का इन्हों का टन्योर सगा तो इन्ने ज़्यादा सियाने इकोनमिस्ट रहे हैं तो कितना कितने अपने देश की इकोनमी समझते हैं देश के सिटीजनस समझते हैं तो किस तरह कोविड 19 के माहौल में आप ठीक कर सकते हैं। अजे मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबका प्रधान मंत्री जी की यह राय काफ़ी एक शलाघा योग कदम भी है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जेकर इस सही नीति दे नाल अपनाया जा सके तो जल्दी तो जल्दी जिहड़ा देश अपना करोना महामारी की लपेट चो बाहर बहुत जल्दी आ सकता है। तो हुण अगे वधदे आं पंजाबी जागरण दी फ्रंट पेज से खबर है कि रेलवे वालों आक्सीजन एक्सप्रैस चलाउण दा ऐलान इस दे उत्ते की कहना चाहोगे? बिल्कुल मनमीत देश के कई सूबों के खासकर जो आप गल करिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जी सरकार ने इन्हों को थोड़ी जी इन्हों आने वाले समय से ऑक्सीजन की किल्लत लग रही है जिस करके इन्होंने रेलवे न संपर्क किया रेलवे जो है हम ऑक्सीजन एक्सप्रैस चलाने जा रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रैस तो अपना हिसाब है कि जी मैडिकल ऑक्सीजन होंगी है तो दूजी ड्राई ऑक्सीजन मैडिकल ऑक्सीजन लिक्विफाइड भी आप ले लीए तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडरस ने ऑक्सीजन की जी मात्रा वो भरपूर रहे उस घाट ना आए कमी ना आए इस करके हुण रेलवे की सहायता लिती जाऊगी हॉस्पिटल्स दे विच ते सेंटर्स दे विच ऑक्सीजन नूं प्रॉपर वो निर्विघन रूप नाल आंदी रहे उहदी एक्सेस बनी रहे लोगों वास्ते तो इस करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने हुण आपस तालमेल बिठाया तो यह तालमेल हुण आने वाले समय में पूरे देश में देखने मिल सकता है तो उत्थे ही अपने जिहड़ा रेलवे हैगी है उहदे वल्लों इस चीज़ का साथ देना तो कहना कि असी स्पैशल जिहड़ी आ ऑक्सीजन एक्सप्रैस चलावांगे इस तुसीं जिहड़ी अपनी ऑक्सीजन किट्स हैगियां ने ईवन कोई कन्वेंसिस भी ने ऑक्सीजन कैरी करन वालियां उहदे वास्ते भी बोगियां वड्डे जिहड़े अपने प्लेट्स हैगे ने लाए जाणगे तो यह बड़ी एक वधिया उपराला वा भी जिहदे विच रेलवे जो है वह अपने सूबा सरकारां दा साथ दे रही है ताकि देश दे विच नॉर्थ तो लैके साउथ तक ईस्ट तो लैके वैस्ट तक हर तरह के किसी भी सूबे दे विच किसी भी तरह की किल्लत ना आवे ताकि सारे दे सारे सूबे एक दूजे नाल संपर्क विच रहन एक दूजे सूबियां दा साथ दे सकन क्योंकि हरेक सूबे दे विच जे आपां गल करिए तां सिटीजनस अपने इंडिया दे ही ने इंडियनस ही ने सो किसी भी तरह के इंडियन नूं कोशिश हो रही है सरकार वल्लों कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान तो हथ ना धोना पवे जो कि पिछले कुछ दिनों कितने कितने देखने मिले
कि ऑक्सीजन की कमी करके कितने पांच कितने दस जिले अपने सीगे बीमार सन तो उन्होंने अपनी जान तो हाथ धोना पे जी खबर भी सुनने आईया सगिया। सो इस करके सरकार हुण इस मुद्दे पर भी ज़्यादा चुकन्नी हुई नज़र आ रही है। लवप्रीत हुण अगली खबर वाल चर्चा करते हैं। हर अखबार दे विच खबर छपी पर जगबाणी ने इसनू इस तरह छापिया, ना गुरु की बेअदबी करन वाले बचने अते ना दोषियों नू बचाउण वाले। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है, इस दे उत्ते की चर्चा करोगे मनमीत? जदों जुर्म दोषी सबूत सामने हन तां क्यों बचा रही है सरकार? नवजोत सिंह सिद्धू साबका क्रिकेटर इंडिया टीम दे साबका मंत्री पंजाब सरकार दे विच ते ए गल कह के ते तुसी एक तरह समझ सकते हो कि उन्होंने पंजाब दे विच दो वड्डियां सरकारां जिहड़ियां रही ने राज करदियां रही ने, चाहे वह श्रोमणी अकाली दल है अते चाहे उन्हां दी अपनी कांग्रेस सरकार है, तो उन्होंने दोनों सरकारों को घेरिया। उन्होंने कहना है कि ना गुरु की बेअदबी करने वाले बचने हैं। सो ये आपां नूं कितना कितना लगता है कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार वेले जो ये अपने बरगाड़ी विखे कोटकपुरा विखे बैबल कलां विखे कांड होया सीगा उधर इशारा कर रहे हैं अते ना दोषियों नूं बचाउण वाले। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुल के इत्थे कहा कि जे पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार है जे उहनां नूं पता है कि जुर्म किन्ने कीता है, दोषी कौन हन, सारे लोग जाणदे आ, पंजाब दे सारे वसनीक जाणदे आ, तां हाई कोर्ट का जिहड़ा अपने केस सीगा जिहदे विच कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने नौ चलान पेश किए सन, सारी इनकुआरी की इनवैसटीगेशन की है, उहनूं खारज कर दिता गया। सो उहनूं लै के नवजोत सिंह सिद्धू की यह प्रतिक्रिया आई है कि कांग्रेस सरकार अकाली सरकार के जिहड़े सीनियर लीडर रहे हैं उन्हां ते कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सो नवजोत सिंह सिद्धू ऐतकी सीधा हो गया है कि क्यों नहीं पंजाब सरकार कार्रवाई कर रही, क्योंकि जो पंजाब सरकार बनी है कांग्रेस की 2017 दे विच उदों मुख मुद्दे यही सन, एक मुद्दा सीगा नशियां दा लक तोड़न वाला, दूजा मुद्दा सीगा कि जिहड़ा कोटकपुरा बैबल कलां बरगाड़ी कांड होया इहदे विच जिहड़े अपने गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां दी बेअदबी हुई है इहनूं लै के जो रोस कर रहे सन जिहदे विच दो सिंह भी शहीद हो गए सन। सो उस नूं लै के गोली कांड नूं लै के नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब च कांग्रेस की सरकार बनी सी, लोगों नाल वादा किया गया सीगा कि जिहड़े दोषी ने पुरानी सरकार वाले सीनियर लीडर जां अफसर उहनां नूं सलाखां दे पिछे किया जाएगा। सो नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसी जो बयानबाजी की है ये उन्होंने बड़े दलेराना तरीके दे नाल खुल के सरकार नू, हुण वाली सरकार नू, ते जिहड़ी इस तो पहलां वाली सरकार नू, उन्हां दोनों सरकारां नू आड़े हथीं भी लिया। अगली खबर ते हुण अगली खबर वल वधदे आ। पंजाबी जागरण दी फ्रंट पेज की खबर है, इको सरिंज नाल ड्रग्स लैण वाले 20 तों वध, नौजवान एड्स की लपेट में। बहुत ही एक दुखदाई वाली खबर सामने आई है, इस उत्ते की कहना चाहोगे मनमीत? एक खबर है संसारपुर पिंड की, जलंधर जिले में पिंड आता है संसारपुर। संसारपुर पिंड बारे तुम थोड़ा जहा दस दिना कि इनू हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है। संसारपुर पिंड ने हुण तक अपने देश नू भारत नू 14 ओलंपियन दिते ने। सो एक पिंड विच्चों 14 ओलंपियन किसी हॉकी की खेड दे विच आउणे भारत वास्ते बड़ी वड्डी गल है, लेकिन पिछले कुछ सालों तो इत्थे चिट्टे ने अपना घेरा पाया होया। 2 साल पहला उत्थे दे एक लोकल NGO ने भी इनू लै के रैली कढ़ी सी, जागरूकता मुहिम कढ़ी सीगी, जिहदा बाद विच काफ़ी इन्हां दा आपस में कलैश भी हो गया सीगा सरकार नू नाल लै के। ईवन विधानसभा तक भी ये मुद्दा गया सीगा, CM ऑफिस तक भी मुद्दा गया सीगा, लेकिन हुण चिट्टे ने उत्थे अपना संसारपुर पिंड च पैर पसारना शुरू कर दिता है। तो किसी एक दी गलती करके एक किसी इनफेक्टिड जिहड़ा कोई HIV पॉजिटिव इनफेक्टिड होगा उन्हूं लैके सरिंज की गलती करके आप कहांगे अज की तरीक दे विच उत्थे 20 जिले जवान ने 20 तो 30 साल की उम्र के तकरीबन 19-20 जिले लड़के है वो एड्स पीड़ित पाए गए हैं। सो ये भी एक दुख वाली खबर है कि देखो तुसी किस तरह भी एक नशे की लत नू लै के किस तरह अज अपनी जिंदगियां खत्म कर बैठे है, जिथे अपने जो चिट्टे का नशा वा ये वैसे जो इंसान है उन्होंने उही हौली हौली मार दिंदा है, उत्तों की एड्स रूपी HIV पॉजिटिव रूपी तुसी एक ऐसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाने हो जिहड़ी तुहानू कुछ ही समय के बिल्कुल तुहानू शरीरक तौर पर खत्म कर देंदी है। ये ऐह जी बीमारियां ने जो सरिंजा नाल लगदियां ने, नशे नाल लगदियां ने मनमीत, HIV एड्स वर्गियां जिहड़ी शरीरक तौर पर तो फिर भी कुछ समा लै जांदियां ने, लेकिन जदों बंदे नूं पता लगता है कि मैनूं आह बीमारी होई है तो मानसिक तौर पर उसी दिन तो ही अपना मरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, हुण इस यही रीज़न है कि जिहड़ा पंजाब नूं हुण नशियां दा छेवां दरिया कहा जाता है, इन्ना नशा पंजाब दे विच वध गया कि पंजाब दे हर जिले दे विच हर शहर दे विच कोई ना कोई खबर हर रोज़ सुनन नूं मिलदी है, कोई ना कोई नौजवान हर रोज़ नशे की लपेट में आई जाता है। अगली खबर वल वधदे आं।
पंजाबी ट्रिब्यून ते पेज से खबर है सेवा नू सलाम, बहुत ही वधिया खबर है कि पुलिस मुलाजम ने अपाहज औरत नू मोढ़ियां ते चुक के टिकट बुकिंग सेंटर ते छड्डिया। इस दे उत्ते की चर्चा करोगे मनमीत? द समर न्यूज़ ने कल भी यह खबर उचेचे तौर पर चलाई सी अपने चैनल ते। इहदे विच आपां दस रहे हां कि एक सिख रूप दे विच प्रोपर दस्तार बन्नी हुई है, प्रोपर दाढ़ी मुछ वाले एक सिख थानेदार ने जिहड़े कि लुधियाणा दे रेलवे स्टेशन ते एक जिहड़ी औरत है जिहनूं आपां अपाहज औरत कहांगे जिहड़ी तुर फिर नहीं सक रही सीगी ते उहने अपनी टिकट सेंटर तक जाणा सीगा, टिकट बुकिंग सेंटर तक जाणा सीगा, तां बिल्कुल इधर उधर परवाह कीते बगैर उस सिख सरूप वाले पंजाब पुलिस दे थानेदार ने बिना एक सैकेंड भी खराब किए औरत नूं अपने मोढ़ियां ते चुक के पिछे पिट्ठू टाइप ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਦਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁਸੈਲ ਅਤੇ ਰੋਬਦਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਬ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਨੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 768 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 43,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਵਾਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਪੇ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਸ ਅਮਰ ਨਿਊਜ਼।